सीएम योगी आदित्यनाथ की मंत्री स्वाति सिंह एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। थोड़े से दिनों में चाहे अनचाहे राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी स्वाति सिंह का राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प है। एक हाउसवाइफ से यूपी सरकार में मंत्री बन गई स्वाति सिंह की राजनीति में एंट्री बेहद ड्रामेटिक रही, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। एक ही परिवार के हैं तो स्वाति सिंह लड़ी तो दयाशंकर सिंह नहीं लड़े चुनाव, और आज भी यदि स्वाति सिंह लड़ेंगी तो दयाशंकर सिंह नहीं लड़ेंगे, और दयाशंकर सिंह लड़ेंगे तो स्वाति सिंह नहीं लड़ेंगे। ये हमारे पार्टी में एक ही परिवार में सभी लोग नहीं लड़ सकते। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों के बीच लखनऊ की एक विधानसभा सीट ऐसी है जहां दो भाजपा नेताओं के बीच टिकट के लिए अंदरूनी जंग छिड़ी है, और ये दो भाजपा नेता हैं पति पत्नी। जी हां, बात कर रहे हैं योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की। चर्चा है कि लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से दयाशंकर सिंह टिकट की मांग कर रहे हैं। दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह इसी सीट से विधायक हैं और योगी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। सरोजनी नगर विधानसभा सीट से टिकट पाने के लिए दयाशंकर सिंह संगठन में जमकर जुगाड़ लगा रहे हैं। टिकट की घोषणा से पहले ही दयाशंकर ने इलाके में अपनी दावेदारी वाली होर्डिंग, बैनर, पोस्टर सब लगा दिए। 3 महीने में दयाशंकर सिंह ने बाइक जुलूस, पैदल यात्राएं की और जनसंपर्क अभियानों के जरिए इन अटकलों को और हवा दे दी है। हालांकि मीडिया से बातचीत में दयाशंकर सिंह का कहना था कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर वो उसे चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन अंदर खाने जो खबर है वो ये कि दयाशंकर सिंह चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में उन्हें स्वाति सिंह की जगह पर टिकट मिले और वो भी विधानसभा पहुंचे। साल 2008 में स्वाति ने पति दयाशंकर सिंह के खिलाफ मारपीट की FIR भी दर्ज कराई थी। हालांकि दोनों ने कभी इस झगड़े को सार्वजनिक मंच पर सामने नहीं आने दिया, लेकिन दोनों का साथ ना रहना कई तरह के सवाल खड़े करता है। सवाल ये है कि आखिरकार एक हाउसवाइफ से स्वाति सिंह राजनीति में कैसे पहुंची, तो इसकी कहानी भी जरा सुन लीजिए। पति दयाशंकर सिंह BJP के नेता थे। काफी कोशिशों के बाद भी वो विधान परिषद का चुनाव नहीं जीत पा रहे थे। दूसरी बार चुनाव हारने के बाद BJP उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ एक विवादित बयान दिया। मामले में BJP बैकफुट पर आ गई और दयाशंकर सिंह के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया गया। लेकिन बसपा के नेताओं ने जवाबी हमले की तैयारी कर ली थी। उन्होंने राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन किया और दयाशंकर सिंह के खिलाफ जोरदार हमला बोला। अपने पति के सपोर्ट में उसके बाद उतरी स्वाति सिंह, जिन्होंने मायावती और बसपा नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और यहीं से उनके राजनीति में एंट्री की तैयारी हो गई। BJP ने स्वाति सिंह के फायर ब्रांड इमेज को देखते हुए उन्हें सीधे प्रदेश महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया। यही नहीं, विधानसभा चुनाव के दौरान BJP ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी स्वाति सिंह को जगह दी थी। इसके बाद स्वाति को विधानसभा में टिकट मिलना तय हो गया। उन्हें लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से उम्मीदवार बनाया गया, जहां से BJP 3 दशकों से जीत को तरस रही थी। स्वाति सिंह ने ये सीट BJP की झोली में डाल दी और उसके बाद योगी सरकार में मिला उनको मंत्री पद। यही नहीं, मंत्री पद मिलने के बाद दयाशंकर सिंह का निलंबन भी वापस ले लिया गया। अब जरा स्वाति सिंह की पढ़ाई लिखाई पर भी गौर कर लीजिए। स्वाति सिंह का जन्म और ज्यादातर पढ़ाई लखनऊ में हुई। वो राजपूत परिवार से हैं। बचपन से ही शांत स्वभाव की स्वाति शादी से पहले और बाद के जीवन में भी सामान्य महिला की तरह रहती थीं। यही वजह थी कि एक बार CM योगी के साथ स्वाति कुछ इस तरीके से नजर आई जब वो एक दलित परिवार के घर में रोटियां बेलती नजर आई। स्वाति सिंह ने 2001 में इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से MMS की डिग्री हासिल की है। 2007 में उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।